What's up, Shadowhan? Hey, you know, I am the King Khan. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ओस्पदे लज्जा अमरीश पुरी डायलॉग पे तवक्का हूँ। अरे भाई, मैं अमरीश पुरी हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी बात मान लो। देना बाद सनी देवल काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया। लाशें बिछा दूंगा मैं, लाशें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन्नू टैलेंट स्पेशल गेस्ट प्रोग्राम से मिश्रा पनन प्रोग्राम से मौजूद दयो स्पेशल गेस्ट दे करेक्ट हो रही हो टैलेंटेड मलगरा शर्मा चेब भाई चिदई दिमर टैलेंटेड मलगरा दा चिद मुख्तलिफ कसों ने मुख्तलिफ किस्मा वजीना का मकसद दागा दा चिदई पेरोडी अदाकार दा पनन प्रोग्राम से दई दिमिश खसूसी उलमा दा वो पनन प्रोग्राम से रमीश गप शप या लगाई वो पता ऊना का चिदई दे चाचा मुख्तलिफा वजीना कवाशी शर्मा चेब भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमिश बन्नू टैलेंट स्पेशल गेस्ट प्रोग्राम से हर कलाई तवे वेलकम तवे दा खबर आओ कच्छे दे चाचा वजीना कवाई से कतीन के तरह सर उड़ ली थी डेर दस अद करो दी पॉलिटिशियन दी चगे मैं मिक्री कहाँ पेरोडी कहाँ और टोल ना पहला जैन चीज मेरा पॉपुलर लीडर इमरान खान पेरोडी दा लज गंदे तवको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या कना बुदो वो या कना साइन। मेरे पाकिस्तानियों, एक वक्त आएगा जब पूरे पाकिस्तान में हमारी हुकूमत होगी। इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है, कोई रूल ला नहीं है। इंशाल्लाह जब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं रूल ला की बात करूंगा। और पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गर्मी है, बहुत लोड शेडिंग है, लोग मर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको गन्ने का जूस पिलाऊंगा। मौलाना फजल रहमान से बोल कवाइश है। मौलाना फजल रहमान से वो डेर ज़बरदस्त है, वो फेवरेट था। और गिना सब इलेक्शन लड़शवा था आगा सरंग बयान किया का बोधर तो वह कम 1973 के आइन के तनाजुर में मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इस इलेक्शन में हमारे साथ दांधली हो गई है। और मैं आप सबको खबरदार कर रहा हूँ कि हमारा इलेक्शन हमें वापस किया जाए, नहीं तो हम दमादम मस कलंदर करेंगे। नवाज शरीफ से बोल कवाइश है। नवाज शरीफ साहब हो यो फेमस डायलॉग हुआ चकल है वजीर अजम आई सीट ने लरे कार्ड बाकी हुआ खबर है कौला। मेरे पाकिस्तानियों भाई, मुझे क्यों निकाला? मेरा कसूर क्या था भाई? मैं वजीर आजम था, मुझे धक्का मार के निकाला गया भाई। मैं नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं था।